अभी 15 अगस्त को 3 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है जो कि है स्त्री 2, वेदा एंड खेल खेल में। तो आप पर्सनली किस फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो? स्त्री 2 बहुत दिनों से श्रद्धा ऑन स्क्रीन नहीं आई है, तो वो इंटरेस्टिंग होगा। तो स्त्री के लिए, स्त्री के लिए क्यों सर? स्त्री उसमें पंकज जी का कैरेक्टर, मुझे वो जो करते हैं काम, उनका थोड़ा अलग ही अंदाज है और उनके काम मुझे पसंद है। काफ़ी लोग उसे उन्हें पसंद करते हैं। मैं तीनों फिल्में देखूंगा, अगर तीनों फिल्मों में एक्शन होगा और जिसकी मैं माउथ लैंग्वेज सुनूंगा कि भाई वो फिल्म अच्छी है, वो भी जरूर देखूंगा। मैं खेल खेल में। तो 15 अगस्त को रिलीज हो रही है 3 बड़ी फिल्में और मैं तीनों फिल्मों के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने ऑडियंस से पूछे कि वो किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। तो चलिए बात करते हैं उनसे। अभी 15 अगस्त को 3 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है जो कि है स्त्री 2, वेदा एंड खेल खेल में। तो आप पर्सनली किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो? स्त्री 2 बहुत दिनों से श्रद्धा ऑन स्क्रीन नहीं आई है, तो वो इंटरेस्टिंग होगा। और वेदा भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जॉन अब्राहम सर को बहुत टाइम हो गया नहीं देखा है। और खेल खेल पे तापसी पन्नू मैम भी बहुत टाइम से स्क्रीन पे नहीं दिखी हैं। अभी उनकी रिसेंटली वो हसीन दिलरुबा वगैरह आई थी, वो क्रेजी थी, अच्छी इंटरेस्टिंग थी वो मूवीज़। तो स्त्री के लिए, क्यों सर? स्त्री उसमें पंकज जी का कैरेक्टर, मुझे वो जो करते हैं काम, उनका थोड़ा अलग ही अंदाज है और उनके काम मुझे पसंद है। काफ़ी लोग उसे उन्हें पसंद करते हैं, जैसे अभी मिर्जापुर और इसके अलावा भी कई ढेर सारी मूवियाँ थी उनकी। तो ठीक है, अपनी अपनी पसंद है, तो मुझे पंकज सर पसंद हैं, तो उनका काम मैं देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैं तीनों फिल्में देखूंगा, अगर तीनों फिल्मों में एक्शन होगा और जिसकी मैं माउथ लैंग्वेज सुनूंगा कि भाई वो फिल्म अच्छी है, वो भी ज़रूर देखूंगा। मैं खेल खेल में। खेल खेल में क्योंकि मैं स्त्री 2 फिल्म देखा नहीं हूँ और ज़्यादातर मैं 2 रिलीज हो रही है। ओके, तो आपने स्त्री देखा है? स्त्री भी फिल्म नहीं देखा है हमने। या और वेदा फिल्म में जॉन इब्राहिम की बहुत कम देखता हूँ, बट अक्षय कुमार की फिल्म ज़्यादा देखता हूँ। सो खेल खेल में ज़्यादा एक्साइटमेंट है मेरा। तो खेल खेल के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, क्यों ऐसा? मतलब बिकॉज अक्षय कुमार की कुछ मूवीज़ जो है बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी स्टोरी पे आधारित रहती है और मेरे मतलब एक मैं उनका एक फ़ैन भी हूँ। सो इस वजह से मुझे उनका मूवी देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो खेल खेल में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको क्या लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म बाजी मारेगी? आई थिंक स्त्री, स्त्री एंड वेदा। खेल खेल में नहीं? खेल खेल में आई डोंट नो। इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ऑडियंस है, वो कब किधर पलटी मार जाए ये कुछ नहीं इसके बारे में हम कह सकते। अच्छा। और कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा। स्त्री और वेदा में बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन सी फिल्म अच्छा करेगी बॉक्स ऑफिस पर? स्त्री इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि उस पर शायद पंकज त्रिपाठी सर भी हैं और श्रद्धा है, श्रद्धा ऑलवेज फेवरेट है पब्लिक की, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन होने वाला है। खेल खेल में के लिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो? नहीं, देखूंगा देखूंगा तो मैं, लेकिन स्त्री के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और देखूंगा तीनों मूवियाँ। अच्छा, स्त्री का ट्रेलर देखा आपने? स्त्री 2 का? हाँ देखा हूँ मैं। कैसी लगी? एक नंबर, सबसे मस्त लगी और इसके फर्स्ट भी मैंने देखा। अच्छा। तो मूवी अच्छी थी, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि सेकंड भी आए और देखूँ क्या कैसा है। और स्त्री का ट्रेलर देखा? स्त्री का ट्रेलर देखा। कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रेलर है। ट्रेलर को आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे? आउट ऑफ 5 4.7। फुल कर देंगे। 515। हाँ 515। तो अगर अक्षय कुमार की बात की जाए तो उनकी जो पुरानी फिल्में थी वो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई, तो आपको लग रहा है कि खेल खेल में वो चलेगी अच्छा खासा? बस इसी वजह से मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे सबसे फेवरेट एक्टर है और मैं उनको मतलब बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और कहीं ना कहीं वो जो इनकी बुरे दिन चल रहे हैं उसमें यही एक सच्चे फ़ैन का पता चलता है कि जब उसको बुरे दिन में सपोर्ट करते हैं, तो मैं फुल सपोर्ट करता हूं उनको क्योंकि उनकी जो फिल्में होती हैं भले अभी फ्लॉप चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुछ तो गलतियां हैं, बट मैं ऐसा नहीं, वो ऑलरेडी सीख गए होंगे, बट हम भी फ़ैन हैं, हम उनको भी सपोर्टिव रहेंगे हमेशा। सो सपोर्ट करते रहेंगे और उनकी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो मतलब क्या बोलूँ मैं, हेरा फेरी फिर हेरा फेरी जितनी भी फिल्में आई हुई हैं आप देखो ना, जितनी फिल्में आए सब सुपर हिट रहे, तो कुछ ऐसे फ्लॉप होती रहती हैं, सबके लाइफ में बुरे टाइम आते रहते हैं, तो नो डाउट, बट मैं उनको सपोर्ट करता रहूंगा। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो। सो होप सो लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।